देखिए, ये जो है ना, पूरा जो करकट का मेरा इलाका है, मैं उसको पूरा से वाइट पेंट करवा रहा हूँ ऊपर से। पूछे कि क्यों करवा रहा हूँ। एक तो देखिए, यहाँ पे करकट को प्रिजर्व भी करना बड़ा ज़रूरी होता है। सब जगह रस्टिंग होते रहता है। एक बार पेंट हो जाएगा, यहाँ देखिए करकट भी जंग लगने का काम चालू रहता है। तो एक बार इसमें, अब वाइट कोट से सबसे बड़ा बेनिफिट हमको प्लेट का है, क्योंकि ये बाईफेसियल है। जितना भी नीचे से वाइट तो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, ये तो हम लोग को मालूम है। ब्लैक ऑब्जर्व करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब सोख लेता है धूप को, और उजला जो है सो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ से हम लोग को जो बाईफेसियल का प्रॉपर्टी है नीचे से, मतलब हर तरफ देखिए वाइट, हर जगह उजला होने वाला है। यहाँ पे दो पैनल अभी बाकी है, तो नीचे से भी समझिए कि मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से अगर 420 वाट एक पैनल बनाता है, तो नीचे से भी अगर कम से कम 100-150 वाट भी निकाल दे, तो बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। 100-150 वाट एक पैनल, यानी अगर 12 पैनल है तो 1200 से 1800 वाट प्लस हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ये उस समय सबसे ज़्यादा ये दिखाई देगा जिस समय तेज़ धूप होता है। अभी देखिए सुबह का लगभग 10 बज रहा है, और 10 बजे ही इतना कड़ाके का धूप है। और नीचे मैं देखा था, अभी तो मात्र मेरा 8 पैनल ही चालू है। दो का देखिए वायर तो अभी ऐसे ही गोल करके रखा हुआ है, और अभी जो जनरेशन मैं देखा था 2700 वाट हमें सोलर से मिल रहा है। तो पानी का मोटर मज़े से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी हम लोग के पास 1700 वाट है, और ये 2700 वाट है बैटरी को चार्ज करते हुए प्लस में हमको मिल रहा है। ये देखिए एले लगा हुआ है, एले एकदम बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही सब बात है सर, छोटे छोटे वीडियो से हम लोग इस काम को सीख रहे हैं और सीखते चलेंगे। और 5 KVA पे मैं किताब भी लिखना चालू कर दिया हूँ, और बहुत जल्दी आने वाले 10 दिन के अंदर वो किताब आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इस पूरे व्यवसाय को कैसे करना है, मैं उसकी जानकारी दूंगा, कहाँ से मिलेगा उसकी जानकारी दूंगा, विथ ऑल कॉन्टैक्ट नंबर्स। सर ये तो कहीं नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं सर रात 9 से 10 लाइव में, तब तक जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। क्योंकि सर अभी एक न्यूज़ सुना हूँ कि पटना में सब जगह थर्ड वेव को देखते हुए वो मैंने ऑक्सीजन की तैयारी चल रही है, हर तरह से तैयारी हो रही है। मतलब लग रहा है कि थर्ड वेव सरकार को भी लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो सर बचना बहुत ज़रूरी है, मास्क का सेवन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं तो कंप्लीट वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं सर लाइव में, नमस्कार।